क्यों वीडियो बना रहे हैं? क्या हुआ, किसने मारा? शॉन के पापा। बिल्कुल ठीक है, ठीक तो नहीं हुआ यार, रो क्यों रही थी? मैं खुश हूँ और ये रो रही है। नहीं मैं भी खुश नहीं हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी टिकट कंफर्म हो गई है, तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ 15 तारीख तक। तो मैडम उदास हो गई है। क्यों हो जाते हैं? बात ही ऐसी है। तो मैं पासपोर्ट भी बनवा रहा हूँ और जाते ही तकरीबन 3 से 4 महीने में मैंने बुला लेना। आपको जैसे कि पता है अब तो सऊदीया का वीज़ा फ्री निकल रहा है, फैमिली वीज़ा। अब तो कोई टेंशन नहीं, पहले होती थी टेंशन, वीज़ा निकलता ही नहीं था, टाइम लग जाता था, काफ़ी टेंशन होती थी, प्रॉब्लम थी। अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अब तो उदास में छोड़ दें। हाँ जी, पूरे 5 महीने हो गए मुझे पता चला। हाँ जी, वक्त तो निकलना ही है। कल की बात जैसे कल आ पाएंगे, आप मूड अच्छा कर लो। टेंशन नहीं लेनी, साथ बुला लेने आप। ले आए माशा ले आए, ये वैसे नानी है जैसे मैंने कही थी। मैंने कहा था उसके ऊपर दिल लगे होते हैं और वो थोड़े मोटे मोटे। वाटर पे बनवाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये हमारा नाश्ता भी आ गया, शाम ऊपर आ रहा है नाश्ता करने के लिए, है ना। मैं अब रोटी जो है गर्म करने जा रही हूँ और बारिश हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। अभी अब बारिश देखें, फिर से बारिश शुरू हो गई हमारे पास। किचन का बहुत बुरा हाल हुआ है क्योंकि रात को मैंने सफाई नहीं की। फ्रिज को रात को लॉक लगाया था, अभी फ्रिज का लॉक खोल रही हूँ और इसमें से इसे मैंने रखी थी रात की एक रोटी। ओहो, फ्रिज के दरवाजे में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया। इसको मैं गर्म करूँगी अभी, मुझे बहुत अच्छी लगती है रात वाली रोटी सुबह नाश्ते में खाना। और जी फाइनली मेरी रोटी हो रही है तैयार और बारिश हमारे पास ज़्यादा होती जा रही है। पानी रोटी मैंने अभी भी ऊपर डाली है, ये देखिए मैंने नमक वाला यहाँ पर पानी बनाया है, नमक वाले पानी में इसको डीप करके फिर जो है ना मैंने रोटी तवे के ऊपर डाल दी है। तवे पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, अभी रोटी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा देखिए ऑयल मैंने डाल दिया, घी है मेरे पास, सॉरी मैंने घी डाल दिया। और अब हम पलट में कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। हो तो जी ये देखें, जिससे मैं चावल पकाती हूँ इसी से रोटी पलट लेती हूँ। तो इसमें बारे मान लेंगे, एक दुख मिल जाए काफ़ी मेहनत पाई हो जाएगी। ये देखें जी फाइनली जो है मैंने रोटी पलट लिया, बहुत प्यारी सी यम्मी सी लगी है, लेकिन अभी थोड़ी सी और फ्राई होगी तो इस पर बहुत प्यारे प्यारे फूल बन जाएंगे, बहुत प्यारा सा कलर आएगा। और जी फाइनली रोटी मेरी तैयार हो गई है, ये देखें आप रोटी का कलर देख सकते हैं। उसको मैंने फ्राई कर करके उसकी जान निकाल, यानी कि उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फूल बना लिया है, उसको ना बहुत ज़्यादा फ्राई करके। ओहो मेरे यहाँ सालन भी खत्म हो गया है आपके साथ जी। ओह लाइट चली गई, हमारे पास लाइट चली गई है जी, ये देखें। और ना मेहरान नाश्ता कर रहे हैं, अभी अपने दो नान तो लगते हैं इन्होंने खा लिए, अभी मेरी रोटी पे नज़र रखी क्योंकि मैं अपनी रोटी साइड से कर रहा हूँ। क्यों रो रही हो, क्या हुआ? ना लो, किसने मारा? क्या हुआ, किसने मारा? शॉन के पापा। शॉन के पापा समझ रहे हैं।
कि पापा ने मारा है, इसके लिए मम्मा रो रही है। क्यों रो रही है भाई, किसने मारा है? आपके जाने के गम। ओए हो, इतना ज्यादा गम, इसको देखो भाई, मम्मा रो रही है। आ, आ, मैंने कुछ नहीं किया। हाय, ये देखिए जी, काटी काली इतने क्यों तो मेरी मम्मा को मारा। क्यों रो रही हो भाई? मम्मा रो रही है शानू की। किसने मारा भाई? चलो चलो, बदतमीजा, थप्पड़ लगेगा एक। क्या है, क्या है इधर? काटी करता है इतना, बस कर रहे नहीं मारा। तो जी देखें, काले बादल छाए हुए हैं, बारिश के चांस आज फिर है। ठीक है, तो इधर मैडम लगी हुई है। आज किचन में क्या बन रही है? आज किचन में बन रहा है जी। अरे ना ही बताओ, खाए बगैर भी तो गुजारा नहीं है ना। कोई बात हजम होती है, हर बात बता देती है। हाँ तो गल गई है बोटी। है अभी चिकन डाल ही कहाँ है? भूख लग रही है यार, टमाटर गल गए हैं, खाने तो पहले बताएं। हाँ जी, हमें चिकन और शिमला मिर्च की रेसिपी बना रहे हैं। पहले मैंने प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, जो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है अपना चिकन, जो कि मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। ठीक है, अभी हमने चिकन इसमें डाल दिया, ये एक्स्ट्रा बोटी डाल दी है ताकि मैं आराम से ना जैसे बटे की चिकन को सबसे पहले बोटी चाहिए थी, इसको कवर कर देती हूँ। चिकन मैंने इसमें डाल दिया था, चिकन जी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च है, जो कि मैंने ये देखें लंबाई टेबली कट करी है, सिलाई मान लेंगे मेरे शिमला मिर्च और उसमें डाल देंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम ये डिश बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनेगी। और शिमला मिर्चों को मिक्स करते ही इसके साथ मैं साथ में सुबह मिर्ची भी डाल दूँगी, क्योंकि इन दोनों की जो आपस में खुशबू आती है वो बहुत ही नज़दीक आती है। तो इनको करते हैं मिक्स, सॉफ्ट होने